सिटी चरलबस की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। अल्लाह वबरकातु। मैं अब्दुल्ला बिन साले अल जाबी अल मारूफ अब्दुल्ला रुबैया। यहां पर कुछ दिनों से 15 दिन से लोग आ रहे हैं, गेट खोलो, हमारे को अंदर जाना है, गेट खोलो। मजदूरों के साथ, फौड़ा सबलों के साथ यहाँ पर आए, गेट खोलो हमारे को बोल रहे हैं। हम कल रात में ये तंग आकर हम क्या करें, पीएस को भी गए, पीएस कुछ रात में लिखाने को गए तो उन्होंने बोले कल सुबह आओ, हमारे पास सर्कल साहब नहीं है, ठीक है बोल के हम आने के बाद रात में भी ये मीडिया में डाले, हम मीडिया में डाल के तफसीलात कल रात 1 बजे पूरी तफसीलात दिए। उसके बावजूद इन लोग यहाँ आकर आज 15 दिन से आ रहे थे, कुछ 20 की तादाद में 25 की तादाद में 50 की तादाद में आ रहे थे, आज 80-90 तादाद में आ गए, आके बोले हम खोलो, हम आपको अंदर घुसना है, फैसल जाबरी खालिद जाबरी हमारे को भिजाए मस्जिद तोड़ने के लिए भिजाए है। हम कानून नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, ये कोर्ट केस चल रहा बोले तो कोर्ट केस भी हम नहीं जानते, बस हम हमारे को जो हुक्म आए वो हुक्म को हम पूरा तकमील करने के लिए, हम किसी से वास्ता नहीं है। हम बोले हम असद साहब से बात करा रहे हैं, असद साहब को फोन मिला है, उन्होंने सर्कल साहब से बात करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। उन्होंने बोले असद साहब अकबर साहब कोई MP कोई MLA को मिलाने से हमारे को कोई वास्ता नहीं है, हमारे को जो बोले हैं हम उनके कामों पे जहां भी जाते यही काम करते, अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं खोलेंगे तो हम ये मस्जिद की दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, पूरी गेट की दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएंगे, हमारे को तुम नहीं जानते, हम जब भी जाते हैं उनकी पार्टी के आदमी आए, हम लोग कब्जा लेने वाले और मस्जिद तोड़ने वाले जहां भी होता है हमारे को भी जाते। हम बोले कि ऐसा मत करो, देखो खुदा का वास्ता तुम्हारे को मस्जिद है, ये मस्जिद है, वो हमारे को नहीं मालूम, हमारे हुकुम की तामील करना हमारा काम है, बस यही बोल के उन्होंने बोले तादाद जमा होने पर उन्होंने गए यहाँ से चले गए, नहीं मालूम आगे रुके हुए है। महाराज उन्होंने बोल रहे किसी कोर्ट को हम नहीं मानते, किसी जज को हम नहीं मानते, किसी वकील को, किसी MP MLA आखिरकार ये तक बोल दिया प्राइम मिनिस्टर का भी फोन करे तो हम नहीं मानते, अगर अंदर आने की बहुत कोशिश करके शर निकालना चाह रहे थे, हमारे सब्र तहमुल के हिसाब से हम शर नहीं करे, लेकिन उन्होंने पूरा करके चले गए। अभी जरी देर हो जाती तो शायद मस्जिद को तोड़ देते, बस्ती वाले अगर जमा नहीं होते तो शायद ये मस्जिद को तोड़ के ही जाते, बस्ती वाले बहुत जमा हो गए, मस्जिद को शहीद करने के लिए आए हुए थे, पूरी बस्ती जमा हो गई, और ये आज से 4 साल पहले भी ये लोग आए थे, आज उसके बाद कोर्ट केस में चले गया, झूठे पेपर वगैरह बना के करके कोर्ट में केस डाल दिए, फिर उसके बाद खामोश बैठे, फिर 15 दिन से हमारे को सता रहे, इंक्वायरी कर रहे, यहाँ पर 5 टाइम की नमाज हो रही, बच्चे 60 से 70 बच्चे यहाँ पर कुरान की तिलावत कर रहे, कुछ हाफिज भी बन गए हैं, कुछ हाफिज बन माफी चाहता हूँ कोई हिफ्स कर रहे और कुछ कुरान पढ़ रहे बच्चे और बच्चियां, उन्होंने बोल रहे कि बच्चे आना नया बच्चियां आना, तो हम ये सब चीजों को नमाज को हर चीज को रोक देना, यहाँ से हम घुसेंगे और तोड़ेंगे, ये खालिद और ये फैसल का दोनों का कहना है बोल के गए लोग यहाँ पर। अभी 10 मिनट अगर आवाम जमा नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जमा होने से चले गए, हमारे को 15 दिन से रातों की नींद हराम कर दिए ये लोग दोनों, ये पूरे दोनों भाया इनको भेज के कम तादाद में भेज के आज हद कर दिए, और ये पूरे यहाँ के नहीं है, बारकस के तो एक भी नहीं है उसके अंदर, पूरे यहाँ उधर किधर के है, इधर इधर के है, हमारे को ये मस्जिद शहीद करने के लिए आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आवाम बस्ती वालों के ताउन से उन्हें इकट्ठा होने से चले, हाँ सब देख रहे हैं उनका तमाशा, सब देख रहे हैं, हम क्या करना बोलो, हम मजबूर हो गए, मजबूर होने के बाद ये आवाम जमा हो गई, मजबूर होने के बाद हद से ज्यादा पानी निकल गया यहाँ पर, हद से ज्यादा हो गया, क्या करना बोलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं महमूद बिन मोहम्मद बिन हतीफ अल जाबरी उर्फ महमूद रुबैया, कल मीडिया से मैं मुखातिबी हुआ था, ये पहले ही खबर मुझे मिल गई थी, खबर के बारे में मैं बता दिया था, आज भी मैं DCP साहब, कमिश्नर साहब, MLA साहब, सबिता रेड्डी MLA मैडम साहब, अकबर अवेसी साहब, असद अवेसी साहब से ये पूछ रहा हूँ कि भाई कुछ लॉ एंड ऑर्डर है या कुछ कानून है या नहीं है हमारे पास यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद में, ये अपनी लोग मनमानी कर रहे हैं, मस्जिद देख रहे हैं ना मदरसा देख रहे हैं, आके हमला करने के चक्कर में है, मस्जिद
खोलो, हम साफ सफाई करते ना तो तोड़ देते, दीवार तोड़ के घुस जाते हैं, मस्जिद तोड़ देते हैं। ये ऐसे बातें कर रहे हैं ना, किसी से डर रहे नहीं, ये पुलिस से क्या बोलते हैं बालापुर PSA भी इनका कोई डर नहीं है, यहाँ की कुछ दबदबा नहीं है। ये लोग ऐसा करें 20-25 आदमी बाहर के 70-80 आदमी बुला के 90 आदमी को जमा करे, 20-25 यहाँ आके बात करके गए मेरे से। भाई बोला देखो भाई ये सोसाइटी की मस्जिद है, सोसाइटी का है, काम चल रहा है, आप लोग कहीं को दखल अंदाजी कर रहे हैं, ऑलरेडी केस चलाना भाई, केस चलने दो, जो भी कोर्ट का फैसला होगा हर दो को मंजूर करना पड़ेगा। अब ये आप लोग बोली है कि ये क्या है, आप मस्जिद भी सेफ नहीं है, मदरसे सेफ नहीं है, ये फैसल जाबरी खालिद जाबरी बहुत हमको नाजायज तकलीफ दे रहे हैं, नाजायज सता रहे हैं, वो अपने वो तो क्या है मैं मालूम बोला, किसी से लड़ रहे हैं उन्होंने, कोई MP साहब भी कुछ भी नहीं कर सकते, MLA साहब भी कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम कोई DCP कमिश्नर को मानते बोल के ऐसा बोल भी जा रहे हैं। अब क्या करना, हम किससे मत लेना, ये कानून कुछ है नाम की कोई चीज़ है नहीं है यहाँ पर, अपने पास हैदराबाद में यहाँ पर है ही नहीं है, कौन मदद करेंगे हमारी बोलो। ये इतने बस्ती के लोग पूरे नमाज पढ़ने वाले पूरे जमा हो गए, ये लोगों को देख के वो लोग चले गए, ये तो हमारे को मार देते थे, जानते कुछ होता तो इसका कौन जिम्मेदार था, सब्बल ना फौड़े लेके आए सब हमला करने के लिए हमारे से, हमारे पास कितना बोल के हम लोग को ये मजबूर कर दे रहे, क्या करना साहब, आप लोग बोलो, अवाम उन्नाम से गुजारिश है कि इस बात को उठाओ, इस बात को शेयर करो कि ये लोग ऐसा ना जाए हमको तकलीफ दे रही, थोड़ी सी जमीन के लिए ऑलरेडी केस चल रहा है, केस का जो भी कोर्ट का फैसला होगा हर दो को मंजूर करना पड़ेगा, ये आके हमको ना जाए टॉर्चर कर रहे, मानने की कोशिश कर रहे, ना हक सता रहे हमारे को, आप लोगों को पेपर कहाँ पर है, जमीन या कुत्ता पेट बड़का झाड़ जो मस्जिद अंबिया के सामने है, ये हमको बालापुर PS लगता, ये हमारी सोसाइटी अभी से नहीं है, 1982 से रजिस्टर्ड है हमारी जमीयतुल अल जाबर अल ताउनिया के नाम से रजिस्टर्ड है, इसके तहत एक मस्जिद चलती है, अलजाबरी और मदरसा चलता, 60-65 बच्चे पढ़ रहे हमारे पास, हम अच्छा काम के लिए कर रहे हैं, अच्छा अमल कर रहे हैं, अच्छा बच्चों को तालीमा दे रहे हैं, ये लोग हमको ना जाए तकलीफ दे रहे हैं आके, आप लोग कुछ करिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब से, MLA साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, तमाम DCP कमिश्नर साहब से, और इस एरिया के जो भी कॉर्पोरेटर है, आप लोग आइए, खैर का काम है, हमारी मदद